मार्जिन ऑफ सेफ्टी पेज नंबर 14.25 इलस्ट्रेशन 7 मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर सी आपका इंटर में नहीं फाइनल में भी यूजफुल है, ये तो आपका बेस है। इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 14.25 निकालो, बुक सामने रखो, इंटरमीडिएट लेट मी सी इलस्ट्रेशन 7 कंपनी ऑन द प्रॉफिट 30,000 ड्यूरिंग द ईयर मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 8 एंड 10 फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? What is break-even point? Break-even point is such a point at which no profit or loss. उसका मतलब आपका full fixed cost recover हो जाता है। उसका मतलब आपका contribution वो fixed cost जितना है। उसका मतलब sales minus variable cost equal to contribution equal to fixed cost. What is margin of safety? Actual sales minus break-even point sales. एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। यहां पे आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 8, कंट्रीब्यूशन आएगा पर यूनिट 2, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 30,000। आपका प्रॉफिट कब स्टार्ट होता है? बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में आप फीस को रिकवर कर लेते हो, उसके बाद का जो एक रुपया भी आप सेल करते हो तो उसका प्रॉफिट जनरेट होता है। इसीलिए आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइड कंट्रीब्यूशन 30,000 डिवाइड 2 15,000 यूनिट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। क्यों? इस 2 रुपीज से पहले पूरा फीस को रिकवर कर लोगे, बाद में एक्सेस सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जनरेट करेगा 15,000 यूनिट आएगा। रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 करके 150,000 बाय वे ऑफ द फॉर्मूला पीवी रेशियो सी बाय एस इनटू 100 यानी 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइड पीवी रेशियो 30,000 डिवाइड 20% कितना आएगा 1,50,000 का 20% करोगे तो आपका 30,000 प्रॉफिट हो जाएगा। आपको टोटल सेल्स नहीं पूछा है, टोटल सेल्स पॉसिबल भी नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट कहां दिया है? आपके लिए सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉसिबल है। क्यों? प्रॉफिट डिवाइड पीवी रेशियो। लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 8 A limited maintained margin of safety 37.5 आपका margin of safety है 37.5 overall contribution to the sales ratio 40% यहाँ पे आपको PV ratio यानी contribution ratio दिया है, contribution ratio यानी PV ratio that is 40% that is 40% This cost is 5 lakh. This cost is 5 lakh. क्या पूछा है आपको? Break even sales. क्या पूछा है? Break even sales. Break even sales यानी fixed cost divide PV ratio direct value में आ जाएगा. Fixed cost divide contribution करोगे तो आपका unit में आएगा. यहाँ पे आपको फीस को डिवाइड पीवी रेशियो 5 लाख डिवाइड 40% 12,50,000 ब्रेक इवन सेल्स होगा। व्हाट इज टोटल सेल्स? सेकंड में क्या पूछा है? टोटल सेल्स यानी ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप टोटल सेल्स कैसे करोगे? ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल सेल्स के लिए सबसे पहले ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज माइंड करना पड़ेगा, रुपीस में तो है। टोटल सेल्स को हम बोलेंगे 100, टोटल सेल्स को क्या बोलेंगे? 100। लेस क्या करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो क्या आ जाएगा आपका? ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज, ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज। लेट मी सी, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा आपका?
एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेस कर दो तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट विल बी एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स में से एमओएस लेस कर दो, ये परसेंटेज टर्म में है 62.5% आपका ब्रेक इवन सेल्स होगा, 62.5% पे 12,50,000 तो 100% पे एक्चुअल सेल्स कितना 20 लाख फ्रेंड्स, बाद में पूछा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 में से लेस करो तो आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस 40% दैट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, 20 लाख × 60% 12 लाख विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा 20 लाख × 60%, बाद में क्या पूछा है आपको प्रॉफिट पूछा है एट द सेल ऑफ 20 लाख, 20 लाख है वो सेल्स है, 12 लाख वेरिएबल कॉस्ट, 5 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, आंसर क्या आएगा प्रॉफिट 3 लाख, प्रॉफिट 3 लाख, और नेक्स्ट फिफ्थ में पूछा है आपको आपका सेल इंक्रीज होगा 7.5% से तो नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, अभी आपका सेल है 20 लाख, उसमें 7.5% ऐड कर दिया, नया सेल आ गया 21,50,000, 21,50,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, आपका आंसर आ जाएगा 9 लाख, और वो 9 लाख है आपका नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 10.28, लेट मी सी 10.28 का पहले इलस्ट्रेशन 9 करेंगे बाद में 10 करेंगे, 9 थियोरेटिकल है जस्ट रीड इट, क्या पूछा है आपको बाय नोटिंग पीवी विल इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट चेंज, हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा, इन गिवन फॉलोइंग सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, हेलो पहले पीवी रेशियो की फॉर्मूला याद करो, पीवी रेशियो यानी सी बाय एस मल्टीप्लाई 100, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कुछ चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कुछ चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कुछ चेंज होगा तो ही पीवी रेशियो चेंज होगा, आइदर चेंज इन एस और चेंज इन वी और चेंज इन सी विल अफेक्ट टू पीवी रेशियो, इनको बोलेगा सेल्स वॉल्यूम चेंज हुआ कुछ चेंज नहीं होगा पीवी रेशियो में, तो बोलेगा फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ, अरे पीवी रेशियो में कुछ चेंज नहीं होगा, मैंने अभी तो बताया सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन में कुछ पर यूनिट में चेंज आता है तो ही वेरिएबल सॉरी तो ही पीवी रेशियो में चेंज आता है, रीड इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, पहले बता दिया था वॉल्यूम में चेंज होगा यूनिट में चेंज होगा तो पीवी रेशियो में नो चेंज, सेकंड फिक्स कॉस्ट में चेंज पीवी रेशियो में नो चेंज, थर्ड डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इट विल बी पीवी रेशियो ऑल्सो इंक्रीज, फोर्थ डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, भाई कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होगा सी डिक्रीज होगा तो पीवी रेशियो भी आपका डिक्रीज होगा, नाउ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज होगा तो आपका कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से पीवी रेशियो भी आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट अगेन नो चेंज, 10% इंक्रीज बोथ इन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट,
जितना चेंज सेलिंग प्राइस में हुआ है उतना ही वेरिएबल कॉस्ट में हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज सेम ही रहेगा, पीवी रेशियो इन परसेंटेज सेम ही रहेगा। एक में इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 10%, डिक्रीज इन यूनिट, यूनिट्स आर नो इफेक्ट, सिर्फ सेलिंग प्राइस इंक्रीज है तो पीवी रेशियो भी 10% इंक्रीज होगा। नाइन्थ देखो, 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट एंड 50% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का नो इफेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज है तो पीवी रेशियो आपका डिक्रीज हो जाएगा। यूनिट की नो इफेक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की नो इफेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज तो पीवी रेशियो इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज तो पीवी रेशियो इंक्रीज, और सेलिंग प्राइस इंक्रीज पीवी रेशियो इंक्रीज। इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, जो चार्ट पर करते हो ना, ये आपका हुआ सेल का, ये हुआ आपका फिक्स कॉस्ट, ये हुआ टोटल कॉस्ट, ये हमारा जो है ना एरिया आपका टोटल कॉस्ट, दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिपीट कर रहा हूं एक बार, अटेंशन हियर, ये आएगा सेल्स, ये आएगा फिक्स कॉस्ट, यहां से आएगा टोटल कॉस्ट, ये जो इंसिडेंस है ना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। टोटल कॉस्ट एंड सेल वैल्यू जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ना उसका बाद का जो एरिया है ना दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा यानी प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड प्रॉफिट बढ़ेगा उसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी रेशियो इंक्रीज होगा। नाउ पेज नंबर 14.35 का हमें ये कंसेप्ट लर्न करना है, 14.35 है की फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली इन इंटर बट ऑल्सो इन फाइनल। व्हाट इज की फैक्टर, जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले देखो वह देर इज ए लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर आज मशीन, आज हमारे पास एक ही मशीन है, दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, मशीन की लिमिटेड कैपेसिटी है, हमारे पास मजदूर अभी मिल नहीं रहे हैं, दो ही मजदूर है, तो मजदूर यानी लेबरर्स का रिस्ट्रिक्शन, मशीनर्स का रिस्ट्रिक्शन, मटीरियल कम है तो मटीरियल का रिस्ट्रिक्शन। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले फाइंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फाइंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लाइक पर केजी पर आर, लाइक पर केजी पर आर। सबसे पहले पर यूनिट कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के बाद एक यूनिट के लिए कितना केजी मटेरियल चाहिए वो डिवाइड करोगे, एक यूनिट के लिए कितना आज चाहिए वो डिवाइड करोगे, तो आपको पर लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सो फाइंड द रैंकिंग इज पर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, जिसका पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है उसको फर्स्ट रैंकिंग, बाद में सेकंड रैंकिंग, बाद में थर्ड रैंकिंग। नेक्स्ट है वो मैक्सिमम रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है, टोटल मटेरियल कितना केजी है, टोटल लेबरर्स कितना केजी है, कितना मशीन अवेलेबल है, वो सब फाइंड करना है। नाउ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग एज पर मैक्सिमम डिमांड, एक्स वाई जेड है, एक्स से बनाओगे तो डिमांड से ज्यादा बिक नहीं पाओगे, मैक्सिमम डिमांड जितना फर्स्ट रैंकिंग बनाओ, उसके बाद मैक्सिमम डिमांड जितना सेकंड रैंकिंग बनाओ, बाद में जितने बैलेंस आज बचे ना वो लास्ट रैंकिंग के लिए रख दो। लेट मी सी, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू रैंकिंग एज पर मैक्सिमम डिमांड एंड लास्ट रैंकिंग विल यूज बैलेंस की फैक्टर, लास्ट रैंकिंग विल यूज बैलेंस की फैक्टर। लेट मी सी, हम करेंगे अभी इलस्ट्रेशन 10, जस्ट कंटिन्यू। Illustration 10. Moon Limited produces the product X, Y and Z. हमारा Moon Limited है, तीन product produce करता है। D
decided to analyze its production mix in respect of three product X, Y and Z. Three product का direct material है 160, 120 and 80. Variable overheads है 8, 20 and 12. 8, 20 and 12. Direct labor है department A and B. Rate per hour and X के लिए 6. तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई करना है 6 × 4 यानी 24, बाद में 10 × 4 क्या हुआ, रेट मल्टीप्लाई आर्स, रेट हमारा वैसे तो 4 है एंड आर्स है 5 यानी 20, अगेन रेट 8 है, 8 × 6 यानी 48, 15 × 8 यानी 8 × 15, 8 रेट है 15 आवर्स है एंड 8 × 11 लेबर्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए लेबर रेट पर आवर मल्टीप्लाई आवर्स रिक्वायर्ड, मल्टीप्लाई आवर्स रिक्वायर्ड, ये सब फिगर आपको मिल जाएंगे तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट 240, 300 and 200. XYZ का वेरिएबल कॉस्ट आ गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ए माइनस बी, आ गया कंट्रीब्यूशन 7240 पर यूनिट. लेट मी सी आपको लास्ट सेकंड पेज में क्या पढ़ा, देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए, इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड प्रेजेंट लेवल, डिपार्टमेंट ए है उसका रिस्ट्रिक्शंस है, जिसका रिस्ट्रिक्शन है उसका पर रिस्ट्रिक्शन फैक्टर आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ए का आर रिक्वायर्ड है 6, 10 and 5. यहाँ पे 72 divide 6, 100 divide 10, 40 divide 5 contribution per unit divide by as required per unit, as required per unit. तो first ranking है x का, second है y का, third है z का, 12 rupees, 10 rupees, 8 rupees x, y and z. लेकिन आपका आपका प्रेजेंट नीचे दिया हुआ है एनुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट 10,000, 12,000 and 20,000 और उसके लिए आपको लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है 6, 10 and 15, sorry 5. टोटल आवर्स कितना हुआ 2,80,000 आवर्स आपके पास है, उसमें आपको खेलना है, एक्स बनाओ वाई बनाओ जेड बनाओ जो बनाओ उसमें आपको खेलना है. आपको सीलिंग प्राइस दिया हुआ है 312 400 × 40, तभी तो कंट्रीब्यूशन मिला है हमें. क्या पूछा है, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स, कितना एक्स बनाओगे, कितना वाई बनाओगे, कितना जेड बनाओगे और यह जो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है उस पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा. 2,80,000 आपके आस है, आपके पास आस कितने हैं 2,80,000. आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड पॉसिबल सेल्स यानी मैक्सिमम डिमांड, पॉसिबल सेल्स यानी मैक्सिमम डिमांड. आपके पास एक्स मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो पाएगा 12,000, कितने आवर्स चाहिए 6, आपने एक्स मैक्सिमम प्रोड्यूस कर दिया. अभी दूसरा रैंकिंग है वाई का, वाई मैक्सिमम 60,000 × 10 160,000 वाई प्रोड्यूस कर दिया और जेड का वैसे जेड का मैक्सिमम डिमांड तो 24,000 है जेड का मैक्सिमम डिमांड 24,000 है, 24,000 × 5 करोगे तो 1,20,000 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उतना है नहीं, बैलेंसिंग जितना है उतना जेड बना दो. एक यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स चाहिए तो 5 आवर्स पे एक यूनिट तो 48,000 पे कितना, 48,000 पे कितना, 48,000 divide 5 9600 यूनिट, 9600 यूनिट. अभी x का 12,000, y का 16,000, z का 9600 मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा
28,48,000 मेरे साथ हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। बुक सामने रख के क्वेश्चन सोल्व करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये आप लिंक एंड चैनल से करो। थैंक यू वेरी मच।